मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नुपुर शर्मा को माफ कर देने वाले बयान पर जमात उलमा हिंद और जमीयत उलमा हिंद के नाम पर हो रहे हैं लोग कंफ्यूज। ज्यादातर लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये बयान किसने दिया है। सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उन खबरों में भी जमात उलमा हिंद लिखा है तो कहीं जमीयत उलमा हिंद लिखा है, इसी वजह से लोग काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं। जमात उलमा हिंद के तरफ से ये बयान सामने आया है कि जिसमें कहा गया है कि इस्लाम का तकाजा है कि नूपुर शर्मा को माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि नूपुर शर्मा ने माफ़ी मांग लिया है। ये बयान जमात उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सुहेब कासमी ने दिया है, जिसके बाद हर कोई जमीयत उलमा हिंद से ये सवाल करने लगा कि आखिर आपकी तरफ से ये बयान कैसे सामने आया, नूपुर शर्मा को कैसे माफ़ कर देना चाहिए। यहाँ पर अब लोग भ्रमित होने लगे कि आखिर जमीयत उलमा हिंद ने ये कैसे बयान दे दिया। तो यहाँ पर आपको बता दें कि नूपुर शर्मा को माफ़ कर देने वाला बयान जो सामने आया है वो जमीयत उलमा हिंद के तरफ से नहीं बल्कि जमात उलमा हिंद के तरफ से आया है। यही नहीं, जमात उलमा हिंद के तरफ से ये भी बयान सामने आया है, यानी कि आरोप लगाया गया है कि MIM पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी और महमूद मदनी जो जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय सदर हैं इन पर भी दंगे करवाने का आरोप लगाया है। जमात उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सुहेब कासमी का पहले आपको ये बयान सुनाते हैं। जब हम देश में 125 करोड़ लोगों के साथ रहने का दावा और वादा करते हैं तो हर शहरी के लिए खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए जमात उलमा हिंद का ये पक्ष है कि हम किसी भी किस्म की हिंसा को जायज करार नहीं दे सकते। आइंदा देश में अगर ऐसी हिंसा होती है तो जमात उलमा हिंद अपने पूरे दलबल के साथ निकलेगी और ऐसे लोगों का विरोध भी करेगी और चौराहों में इन्हें पकड़ेगी भी। हमारे मुल्क में हादसा हुआ, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता को पार्टी में डिसिप्लिन छिकने की वजह से, पार्टी की मूल धारा से हटकर बात कहने की वजह से पार्टी से निष्कासित कर दिया और कई प्रदेशों में उन पर FIR हुई और सरकारें अपना काम कर रही हैं। ये वाकया आज से 15 दिन पहले हुआ। ये 15 दिन के बाद अचानक नबी की मोहब्बत का जाग जाना किसी एजेंडे का, किसी खुफिया एजेंडे का हिस्सा लगता है, क्योंकि नबी से मोहब्बत का तकाजा तो ये था कि आप पहले दिन रिएक्शन करते, मगर उन आकाओं ने जो भारत की दुनिया में बढ़ती हुई छवि, संबंध और हमारी सरकार के अरब देशों से और इस्लामिक देशों से ताल्लुकात पर जल भी रहे हैं और गमजदा भी हैं, अपने एजेंडे के तहत भारत के अंदर जगह जगह दंगे। वहीं जब ये बयान सामने आया तो लोग जमीयत उलमा हिंद से सवाल करने लगे, जिसके बाद जमीयत उलमा हिंद के मौलाना वहाब कासमी को भी मीडिया के सामने आना पड़ा और ये बताना पड़ा कि जमात उलमा हिंद से कोई भी नाता उनका नहीं है। हालांकि नाम ज़रूर मिलता जुलता है और नाम मिलने जुलने की वजह से लोग गुमराह हो रहे हैं। मौलाना वहाब कासमी ने यह भी बताया कि जमीयत उलमा हिंद का जमात उलमा हिंद से कोई लेना देना नहीं है। ये जमीयत उलमा हिंद से अलग कोई एक तंजीम छोटी सी है जो दिल्ली में कोई लोगों ने बनाया है, जिनका नाम है सुहेब कासमी। वो अब से नहीं, बहुत पहले से वो मोदी साहब की तारीफ़ में लगे रहते हैं और वो BJP के ही हैं, क्योंकि BJP का झंडा, BJP का बैनर, BJP का जो है मफलर वो लगाए रहते हैं और कभी कभी तो वो अच्छा खासा डांस भी करते हैं मोदी जी के लिए। ये उनका है, लेकिन आज लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। उन्होंने लगा है जमात उलमा हिंद, जमात उलमा हिंद उन्होंने एक तंजीम बनाई है, लेकिन वो तंजीम तो अभी कोई बनी होगी, वो लोग बनाए होंगे, उससे अपने जमीयत उलमा हिंद का कोई ताल्लुक़ नहीं है। जमीयत उलमा हिंद तो 100 साल पुरानी तंजीम है, इसके सदर हैं मौलाना अरशद मदनी साहब और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कायदे से और मुनज़्ज़म तरीके से जमीयत उलमा हिंद काम कर रही है। ऐसे में जो लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं जमात उलमा हिंद को जमीयत उलमा हिंद समझ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, वो मेरे पास भी कई फ़ोन आए थे कि मौलाना ये मौलाना सुहेब कासमी जो आप लोगों के वैसा ऐसा बयान दे रहे हैं,
तो मैंने भी उनको समझाया कि भाई ये जमीयत उलमा से इनका दूर दूर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये अलग उन्होंने अपनी कोई तंजीम बनाई है, उस तंजीम से वो बोल रहे हैं और हम लोगों का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखिए ज़माने जाहिलियत के अंदर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग रहते थे उसमें भी एक मुनाफिक पैदा हो गया था। अब उबै इब्ने काब या और लोग भी हो गए थे जो इस्लाम की मुखालिफत करते थे, इस्लाम से दुश्मनी रखते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ से ये सिलसिला चला आ रहा है, तो ऐसे लोग तो हर दौर में रहते हैं और वो लोग अपनी मनमानी करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। बहरहाल जमीयत उलमा का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। सोहेब कासमी वो अलग हैं जमीयत उलमा से, हम लोग उनको जानते भी नहीं हैं और जमीयत उलमा से उनका दूर दूर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखिए कानून के अंदर इतनी पेचीदगी है, अगर आप एक स्पेलिंग अलग कर लेंगे तो कोर्ट में जाएंगे तो आप ये कहेंगे भाई इन्होंने जमीयत उलमा हिंद लिखा है, हमारा तो जमीयत उलमा जमात उलमा हिंद है, तो वकील बहस करेंगे, दिरह करेंगे, तो जज साहिबान जो है जो रहता है कोई फोल्ड उस पर फैसला करते हैं, तो हम केस भी नहीं कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं। सिर्फ आपको और तमाम लोगों को ये कह सकते हैं भाई कि इन्होंने जो खुराफात किया है, जो बकवास किया है, इससे जमीयत उलमा हिंद का कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ आपको बताना ज़रूरी है कि जमीयत उलमा जो संस्था है ये देश के हित के लिए काम करती है, ऐसी तंजीम है जो हमेशा गरीब मजलूमों के लिए सहारा बनकर खड़ी रहती है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।